नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का अपना सेशन है वो है पिगमेंटेशन, यानी कि झाइयों से संबंधित। ये समस्याएं ज़्यादातर 90% ये समस्याएं हैं वो महिलाओं में पाई जाती है, 10% है वो पुरुषों में पाई जाती है। तो इसका कारण क्या है, वो कारण जानेंगे हम इस सेशन में। और दूसरा, इसके घरेलू नुस्खों से या प्राकृतिक तरीके से इसका कैसे इलाज किया जाए, उन सबके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इससे पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को पूरा वॉच करना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले ये है कि पिगमेंटेशन के कारण क्या है, नेचुरली कारण क्या है। कारण जानने से पहले किसी भी बीमारी का इलाज नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसका कारण जानेंगे कि झाइयाँ क्यों होती हैं। झाइयाँ होती हैं कि हमारी जो त्वचा है इसके अंदर इसी के कलर का एक रंग द्रव्य होता है, मेलेनिन। जब मेलेनिन रंग द्रव्य होता है, उसका अत्यधिक बढ़ जाना या अत्यधिक कम हो जाना होता है, तो इस तरह के स्पॉट्स हो जाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये फेस पे ही हो, फेस पे ज़्यादातर होते हैं, लेकिन ये बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, यानी कि शरीर पे कहीं पे भी हो सकते हैं, हाथ पैर पीठ कहीं पे भी हो सकते हैं। ये कलर है जो ये कम या ज़्यादा क्यों होता है मेलेनिन का, तो इसके भी कारण है कुछ, कि जैसे आपका हार्मोन्स डिसऑर्डर होता है, अपने हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, डिसऑर्डर हो जाता है। अब ये डिसऑर्डर कैसे होता है, ज़्यादातर अपन टेंशन ले लेते हैं तो उससे भी डिसऑर्डर हो जाता है कोई भी हार्मोन्स। दूसरा ये होता है कि जैसे अनिद्रा, यानी कि हम टाइम से सोते नहीं हैं, तनाव, ये चीज़ें, अपना जो खान पान होता है, अपनी जीवन शैली होती है, उसके कारण भी हार्मोन्स डिसऑर्डर होते हैं। और अन्य कारण भी हैं, जैसे आपने कोई सर्जरी करवाई है, स्किन पे कोई भी लेजर सर्जरी करवाई है, तो उसके केमिकल से हो जाते हैं। और अत्यधिक मतलब केमिकल युक्त सौंदर्य प्रसाधन काम में लेते हैं, तो उनसे भी स्किन में साइड इफेक्ट होकर के हाइपर पिगमेंटेशन है वो हो जाती है। जैसे कईयों की आदत होती है कि एनी टाइम मेकअप में रहना, तो उस उन मेकअप वाले जो पदार्थ होते हैं उसके कारण इसका रंग द्रव्य का कलर चेंज हो जाता है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और आप नोटिस करेंगे कि जो मेकअप में रहते हैं, उनका मेकअप उतरने के बाद में उनका कलर जो पहले होता है उससे भी कहीं ज़्यादा धीरे धीरे डल होता जाता है। तो मेकअप का प्रयोग या ऐसे जो केमिकल युक्त पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अनवांछित त्वचा को अत्यधिक धूप में रखते हैं अपन बहुत ज़्यादा, तो इसके कारण भी पिगमेंटेशन होता है। अब इसका मतलब निदान कैसे करें, तो सबसे पहले तो ये है कि इसका डॉक्टर्स के पास में किसी भी प्रकार का कोई निदान नहीं है। ये मैं मेरे अनुभव के आधार पे कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे इस प्रकार की समस्या थी और कम डॉक्टर्स के पास में गई। डॉक्टर्स क्या होते हैं, एक केमिकल युक्त तो आपको क्रीम देते हैं। वो क्रीम क्या करती है, आप जैसे यूज करते हैं तो आपको 7 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर वो आपके चेहरे को चमका देती है, यानी कि इतना ग्लो करने लग जाता है कि जो आप मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतना सुंदर दिखने लग जाता है। लेकिन जैसे ही आप उस केमिकल को छोड़ेंगे, छोड़ते ही मतलब जैसे ही आप उस क्रीम को छोड़ेंगे, तो उसके दूसरे ही दिन आपकी जो पिगमेंटेशन है, आपका चेहरे का रंग इतना काला नजर आएगा और आपकी पिगमेंटेशन जो पहले से ज़्यादा नज़र आएगी, यानी कि ज़्यादा एरिया में फैल जाएगी। तो डॉक्टर्स के पास में ना ही किसी देसी डॉक्टर के पास में है। हाँ, अगर आपको कोई प्राकृतिक नुस्खे बताता है तो वो आप यूज कर सकते हैं, अगर स्किन पे किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं है तो वो यूज कीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप केमिकल युक्त क्रीम लेते हैं या एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाते हैं, तो मेरा आप लोगों का यही सुझाव है, ये ज़्यादातर महिलाएं हैं वो तरह तरह के क्रीम लगाते हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई मेरा सेशन को या मेरे वीडियो को सुने, सुन करके कम से कम उनको इतना समझ में आए कि हमें इस तरह की चीज़ें यूज में नहीं लेनी है। जो जो समस्या थी मेरे, 1 या 2 साल में कम होने वाली थी या 1 या 2 साल में चली जाती, तो मेरे ऐसे पदार्थ यूज लेने से मेरे वो समस्याएं कम से कम 10 साल चली है। और 10 साल के अनुभव से मैं आपको बता सकती हूँ कि ये समस्या कैसे जाएगी और आपको क्या कौन सी चीज़ है उसको आपको दूर रहना है। आपको किसी भी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्राकृतिक तरीके से इलाज करेंगे और जो मैं उपाय बताऊंगी वो आपको अपने जीवन शैली में उतारना है या दिनचर्या में उसी को लाना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं, तो मैंने जैसे बताया कि 5-7 दिन के अंदर वो
आपका चेहरा खिलने लग जाता है, फिर छोड़ते हैं तो वो पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है। तो वो क्या होता है, एक केमिकल युक्त आपको पदार्थ होता है जो आपकी स्किन को जला देता है। स्किन को जला करके वो ऊपरी परत को उतार देता है और कुछ टाइम के लिए वो एकदम से चमकने लग जाती है। लेकिन फिर अगर आप वो मेडिसिन भी लगा रहे हैं चेहरे पे तो फिर भी आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक परत आपकी उतर चुकी होती है और सुंदर दिखना होता है वो दिख चुका होता है। क्योंकि तो पिगमेंटेशन है वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ती जाएगी। और इस तरह के पदार्थ यूज में लेने से आपकी स्किन है वो एकदम से सेंसिटिव बन करके यूं महसूस होने लग जाएगा कि मतलब अंदर से आग निकल रही है। ऐसा मेरे स्वयं के साथ में हुआ है और पूरी बॉडी पे था। ये मेरे शरीर के अन्य हिस्सों पे भी थी, फेस के अलावा पीठ पे, हाथ पे, ब्रेस्ट पे, इन हिस्सों पे मेरे पिगमेंटेशन थी जो एक हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से थी। और इसको मैंने कम कैसे किया, मैं कम से कम 5 साल मैंने डॉक्टर की मेडिसिन ली है, एलोपैथिक आयुर्वेदिक सब की ली है, किसी भी चीज़ से असर नहीं पड़ा। अंत में मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप पतंजलि के डॉक्टर को दिखाओ, हुआ और मुझे ये समझ में आया कि मतलब क्या चीज़ आपको उपयोग में लेनी चाहिए। वो मैं मेरा अनुभव साझा कर रही हूँ। उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, एक मुझे क्रीम दी, एलोवेरा क्रीम, जिस टाइम पे मैं जानती नहीं थी। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपका पेट साफ रहना चाहिए, यानी कि आपसे किसी प्रकार की कोई कब्ज वगैरह नहीं रहनी चाहिए। दूसरा, आप प्राणायाम करें। अब आज से कम 10-12 साल पहले मैं प्राणायाम शब्द था वो मैंने पहली बार सुना था, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। हाँ, योगा मेरा सुना हुआ था लेकिन मुझे ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने मुझे प्राणायाम, एक दो प्राणायाम बताए बताए और फिर धीरे धीरे मैंने उस डॉक्टर को, अंत में थक हार के मैं उस डॉक्टर के पास में गई थी कि लास्ट है, और मैंने उस डॉक्टर का सजेशन माना, उसको अपनी जीवन शैली में अपनाया। अपने एक पेपर आता था पत्रिका में, उस समय एंड्रॉयड फ़ोन की सुविधा ना होने के कारण मुझे प्राणायाम का ज्ञान नहीं था, मैं क्या करूं। तो एक पेपर पत्रिका में, पेपर हेल्थ से रिलेटेड पेपर आता था जो आज भी आता है, उसमें इस तरह की हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं या ऐसा कुछ इलाज आता था, उसको मैंने अपनाया। इसकी वजह से धीरे धीरे फिर मेरी ये चीज़ें थी वो एकदम से लाइट होती गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आप मतलब डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, या ज़्यादातर महिलाएं झांसे में आ जाती हैं या किसी भी तरह की कहने से, किसी के कहने से क्रीम लगा लेती हैं, तो ऐसा कोई इलाज नहीं है कि डॉक्टर आपकी पिगमेंटेशन का इलाज करे। ये सच है, ये कड़वा सच है, लेकिन ये सच है। डॉक्टर के पास में किसी भी प्रकार का कोई इलाज नहीं है पिगमेंटेशन का, आपके स्वयं के पास में इलाज है। इसलिए आप किसी भी प्रकार की केमिकल युक्त क्रीम का अपने चेहरे पे प्रयोग ना करें, वरना आपको ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि मैं इस चीज़ को एकदम से भुगत चुकी हूँ। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपको उपाय क्या करना है, अब इसका उपाय क्या है, यानी कि जो मैंने सीखा है, जो मैंने आजमाया है, वो मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी। सबसे पहले आपको अपने जीवन के अंदर अपनी जीवन शैली को सही लाइन पे लाना है। यदि आप नींद पूरी नहीं करते हैं, गजट से रात रात भर आप गजट्स के संबंध में रहते हैं, तो इससे आपके हार्मोन्स डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि अनिद्रा के शिकार होते हैं, तो जरूर होते हैं। आप खान पान को आप स्वस्थ रखिए, संतुलित आहार लीजिए। संतुलित आहार के साथ आप नींद पूरी कीजिए। नींद पूरी करने से आपके हार्मोन्स डिसऑर्डर नहीं होंगे। अगर हार्मोन्स डिसऑर्डर हैं तो आप योगा और प्राणायाम करना। चेहरे से रिलेटेड मैंने भी गत सेशन में आपको योगा बताए हैं, लेकिन वो योगाज क्या होते हैं कि आपके चेहरे की चर्बी करने, स्किन में टाइटनेस लाने और ग्लो लाने से रिलेटेड है। लेकिन आपको पूरे शरीर के लिए योगा वो करने और प्राणायाम मैं हर सेशन में बताती हूँ। तो इससे क्या होता है, आपकी स्किन को अनलिमिटेड ऑक्सीजन, मेडिटेशन के हार्मोन से रंग द्रव्य चेंज होता है, वो सब सही हो जाएगा। और ये जो झाइयाँ थी वो धीरे धीरे, इनका रंग है अब वो आपका रंग द्रव्य का, आपका स्किन का कलर आता जाएगा, जो हाइपर हो जाता है यानी कि ज़्यादा हो जाता है, स्पॉट्स दिखते हैं, तो वो आपका धीरे धीरे स्किन का कलर हो जाएगा। इस प्राणायाम और योगा को आपको कंटिन्यू रखना है। यदि आप ये, क्योंकि ये एक देसी इलाज है और देसी इलाज हमेशा लंबा चलता है, इसको आपको कंटिन्यू रखना है। जैसे जैसे आप इसको करेंगे तो वैसे वैसे आपका हार, घरेलू नुस्खों के अंदर आप आलू, खीरा, इसका रस निकाल करके आप अपने चेहरे पे उस रस को कॉटन से लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि आप एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल मैंने भी यूज में लिया है,
उन्होंने मुझे पतंजलि का एलोवेरा जेल दिया था। एलोवेरा तो मैंने सोचा कि इससे इतना फायदा होता है, जो मेरी स्किन जल करके एकदम से रेड रहती थी, एनी टाइम मैं धूप में चल नहीं पाती थी। इतना था कि थोड़ा सा धूप में चलते ही मेरी स्किन थी वो एकदम से लावा की तरह हो जाती थी और एकदम लाल चेहरा हो जाता था। तो इस तरह की समस्याएं होती हैं, वो एलोवेरा एकदम से ठंडक प्रदान करता है आपकी स्किन को और धीरे धीरे उस लेवल में ले आता है। तो आपको एलोवेरा अगर ओरिजिनल है आपके घर पे, तो उसका गुदा निकाल करके उसको अच्छे से 15 से 20 मिनट तक आप रखें। 20 मिनट तो आपको रखना ही रखना है। उस दौरान क्या होता है, वो सूखता है तो स्किन खींचती है, तो आपको ज़्यादा बोलना नहीं ताकि लूजनेस नहीं आए। और ये अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है, तो आप पतंजलि का एलोवेरा जेल के अलावा और किसी का यूज में नहीं लें, वो विश्वसनीय है, इसलिए आप उसको यूज में ले सकते हैं। और उसको भी रात, गर्मी का सीजन है तो रात को यूज में लें, सर्दी का है तो आप 1 या 2 घंटे लगा करके उसको फिर वॉश कर सकते हैं। कम से कम 1-2 घंटे तो रखें, क्योंकि उससे क्या होता है, वो थोड़ा सा ठंडक प्रदान करता है और सर्दी के अंदर स्किन खींचने लग जाती है। तो आप गर्मी में रात भर यूज में रखिए, चेहरे को साफ करके पूरी रात भर रखेंगे और बहुत शीतलता प्रदान करेगा आपकी स्किन को और साफ और ग्लोइंग बनाएगा। धूप में जब भी निकलें तो लोग सनस्क्रीन को सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगी सनस्क्रीन को, क्योंकि हर किसी के सूट नहीं करती है और सनस्क्रीन विश्वसनीय नहीं है। कोई भी आप किसी भी कंपनी के यूज में करो, सनस्क्रीन के बजाय आप एलोवेरा जेल लगा करके धूप में निकलें। और आप अपने फेस पे, अगर गाड़ी 4 व्हीलर में जाते हैं तो ज़रूरत नहीं है, अगर 2 व्हीलर या कहीं पैदल चलना पड़ता है आप अपने फेस पे कुछ भी कवर करके निकलें, इससे आप धूप पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और आपसे निवेदन है कि आप अपने चेहरे पे किसी भी क्रीम या पिगमेंटेशन को कम करने के लिए कोई भी केमिकल युक्त डॉक्टर से सजेस्ट किया हुआ भी आपको नहीं लगाना है। ये एक अंदरूनी प्रॉब्लम होती है, ये डॉक्टर्स नहीं दूर कर सकते। ये घरेलू नुस्खे भी आपको तभी यूज में लेनी है अगर आपके किसी प्रकार की कोई स्किन की एलर्जी नहीं है, तो आप यूज में लें। अगर एलर्जी है तो आप फिर भी आप अगर यूज में लेते हैं तो वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है, तो आप अपनी स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको यूज में। मेरा सेशन आपको, आपके लिए कितना लाभदायक है और कैसा लगा, इसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। आप ये चीज़ तो आप मेरे साथ में, महिलाओं से निवेदन है कि मेरे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये कम से कम 90% महिलाओं के साथ में समस्याएं होती हैं। तो ये इसके लिए आपको मेरे को सेशन को पूरा वॉच करने के बाद और मेरी बातें आपको कहाँ तक सही लगी इसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये पिगमेंटेशन के लिए यदि कोई एक्सरसाइज बताता तो स्पेशली पिगमेंटेशन की कोई एक्सरसाइज नहीं होती है जिससे पिगमेंटेशन गायब हो जाते हैं। हाँ, स्किन के लिए, ग्लोइंग के लिए आप जो भी मैंने फेस एक्सरसाइज या फैट कम करने के लिए, डबल चिन कम करने के लिए एक्सरसाइज है वो करें आप, लेकिन उससे पिगमेंटेशन कम नहीं होगी। किसी भी अनजान में आप ना रहें। और आज का सेशन अपना यही समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले सेशन में मैं इसी तरह के वीडियोज और अपने अनुभव को आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।